I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Hi guys, how are you doing? I hope you all are doing absolutely fine. Welcome back to my channel, Medicos My Lifestyle. This is Mohit. I'm gonna show you some part of my life in my own style, okay? So let's get started with today's beautiful vlog and the informative one, okay? So, chaliye vlog ko shuru karte hain. Iski kahani main thodi bata deta hu aapko ki aaj main kahan jaane wala hu, kyon jaane wala hu, kya chakkar hai, kab jana hota hai, kyon jana hota hai, theek hai? Actually, yahan pe jab apan visa wagera renew karate hain to uske sath sath ek kaam aur karana padta hai. Wo hota hai annual report, theek hai? एनुअली मतलब एक साल में आपको यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वहाँ पे आके आपको रिपोर्ट करना होता है, ओके? तो अब वो कैसे करना होता है, कहाँ पे है ये जगह, उसके बारे में इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को. Like a card never change, play the game that we say. I need a break. यहीं से ही सब कुछ रिलीज होता है, आपका ACR वगैरह, स्टैम्प वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ यहीं से ही होता है, ठीक है? तो देखिए पहुंच गए अपन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन. Time to stand strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन. इसमें आई थिंक मैं थर्ड या फोर्थ बार आया हूँ. ये काम जो मैं करने आया हूँ अभी एनुअल रिपोर्ट वगैरह, ये आप एजेंट से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो महंगा पड़ता है. महंगा मतलब डबल पड़ता है ऑलमोस्ट. तो अगर आप यहाँ पे आओगे गाड़ी से भी, जिपनी से भी, जिससे भी, तो उसके बाद आपको लगभग 500 के समथिंग पड़ेगा एक बंदे का, ठीक है, या 600 के समथिंग. लेकिन अगर आप बंदे से मतलब कि अगर आप एजेंट वगैरह से कराओगे तो वो लोग 1000 चार्ज करते हैं एटलीस्ट, ठीक है? और उनके तो फिर एजेंट्स होते हैं, तो वो लोग आते हैं अपने सारे जितने भी बंदे होते हैं उन सब का करा के ले जाते हैं, ओके? तो ये सब है, समझ रहे हो मेरी बात? तो यही है भैया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन. इस पर मैं पहले भी मेरा थोड़े दिन पिछले साल की अगर बात करूँ तो पिछले साल मेरा आइडेंटिटी कार्ड जो बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ACR कार्ड, ठीक है, तो वो थोड़ा अटक गया था यहाँ पर. यहाँ पर नहीं अटका था, मतलब थोड़ा डिले हो गया था मेरा वीज़ा पिछले बार, तो इस चक्कर में मुझे यहाँ पे आना पड़ा था. और इसके अंदर भी मैं गया हुआ हूँ जिसमें कि वीज़ा वगैरह इशू होता है, और ACR कार्ड वगैरह जिसे ID कार्ड बोलते हैं ये लोग स्टूडेंट वीज़ा का, तो वो सब भी इशू होता है, ठीक है? तो यहाँ से अपन आ सकते हैं, यहाँ से ले सकते हो, ओके? और ये जगह कितनी दूर पड़ती है परपेक्चुअल से अगर उसकी बात करूँ तो शायद आई थिंक ऑलमोस्ट 18-19 किलोमीटर्स है, ओके? तो 18-19 किलोमीटर्स के बाद आप लोग यहाँ पे आ पाएंगे. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन सा टाइम सही रहता है एनुअल रिपोर्ट के लिए, तो क्योंकि सुबह सुबह बहुत बड़ी लाइन होती है और सुबह सुबह भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने इसलिए ही मैं दोपहर में आया हूँ जिससे कि भीड़ नहीं होती है, ठीक है? दो चार बंदे ही मेरे आगे पीछे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे मेरी बात? तो आप भी अगर आ रहे हैं यहाँ पर तो आपको बेटर होगा कि आप दोपहर के टाइम पर आएँ, तो और अपॉइंटमेंट ज़रूर ले ले, ठीक है? इन्हीं की इमिग्रेशन की साइट है, उस पर जाके वेबसाइट पे, और आपको अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो बेटर होगा आपके लिए, आप आके डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं और ले सकते हैं. लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, आप इन साइट वाइट के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आएँगे तो यहाँ पर लोग आपकी मदद कर देंगे, लेकिन वो लोग भी पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है? तो इससे बेटर है आप लोग अपना अपॉइंटमेंट ले कर आएँ तो बेटर होगा, है ना? तो चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में कुछ मिलेगा तो. ये देखिए स्टारबक्स भी है यहाँ पे, ठीक है? I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
यहाँ पे लोग आए हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल ड्रेसेस वगैरह पहन पहन के, आप देख सकते हैं। और उस साइड एग्जिट है इस चर्च का और इस साइड एंट्रेंस है। ओके, तो अभी एक बार अंदर चल के देख के आते हैं कैसा है। वैसे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है यार, बहुत ओल्ड लग रहा है ना। तो अभी चलते हैं और फिर देखते हैं ये क्या है। पता नहीं, ये भी प्यारी जगह है लेकिन पता नहीं है क्या, जेल वेल तो नहीं है मुझे लग रहा है। यहाँ पे पार्क वार्क का आराम से बैठ सकते हैं आप लोग आके। और इसी जगह से रिलेटेड एक है ना स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इससे अगले वाले व्लॉग में, ठीक है। तगड़ी वाली स्टोरी है ना लुटेरों की, वो सुनाऊंगा मैं आपको। ओके, तो अभी चलते हैं इसके अंदर। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. दोस्तों इससे आपको पता लग जाएगी कि कितना पुराना चर्च है। ये देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है, वो कब बनी थी इस चर्च के अंदर, वो सब इसमें दिखा रखा है 1579 से। कैन यू इमेजिन दिस। और उस टाइम पे इतना ब्यूटीफुल चीज़ बनाना, मतलब ऑल दो इसमें इम्प्रूवमेंट तो किए ही होंगे टाइम के साथ लोगों ने। बट ठीक, अभी एग्जिट करते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ गुरुद्वारा अपना, ठीक है। ये देखो बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये ऐसी जगह पे देखने को मिलते हैं। ऐसे नहीं कि अपने इंडिया में तो भैया पेड़ों पे लदे रहते हैं, ऐसे नहीं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitter. Wahe Guru Ji Da Khalsa, Wahe Guru Ji Di Fateh. Chaliye ab chalte hain. दोस्तों आई होप आप लोगों को इस ब्लॉग में कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा। अभी मैं घर पे आ गया हूँ और घर के पास में ही मेरे डेली टू गो है। डेली टू गो मतलब एक छोटी सी, एक बहुत ही प्यारी सी जगह है जो कि ये है, ठीक है। तो अभी मैं आया वहाँ से सीधा डायरेक्ट यहीं पे ही आ गया क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और मुझे लगा थोड़ा सा आराम करेंगे यहाँ पर बैठ के, क्योंकि यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है ना। तो इस चक्कर में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो आई होप आप लोगों को इस ब्लॉग में कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें थी स्पेनिश के टाइम की और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश की इस ब्लॉग में। तो आई होप आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। तो अगर इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया तो इस ब्लॉग को क्या करना है, लाइक कर देना है। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। Bye bye, take care, have a great life ahead. अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए bye bye, I'll see you guys in some next vlog or some next video, okay? तब तक के लिए take care, bye bye.
eyes, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it.